रांची के सेंट जेवियर कॉलेज का इलेक्ट्रॉल लिटरेसी क्लब 19 फरवरी से मतदान के प्रति जागरूकता, वोटरों की समस्या के निदान और नए वोटरों को जोड़ने के लिए कॉलेज कैंपस में शिविर लगाकर काम कर रहा है। क्लब की कैंपस एम्बेसडर प्रकृति कृष्ण लकड़ा ने बताया कि इस दौरान उन्होंने 150 से अधिक नए वोटरों का रजिस्ट्रेशन किया है। यही नहीं, मूवी और नुक्कड़ नाटक के जरिए वे मतदाताओं को लुभा रहे हैं। इनका ये अभियान 6 मार्च तक चलेगा। वोटर हेल्पलाइन ऐप गवर्नमेंट की तरफ से निकाला गया है, जिससे कि कोई भी नया वोटर रजिस्ट्रेशन करके अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकता है। राइट्स और वोटर आईडी कार्ड कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वोट देना आज की युवा पीढ़ी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। अभी से लेकर 6 तारीख तक हम लोग वोटर रजिस्ट्रेशन कैंप करते रहेंगे कॉलेज में। जिसका भी वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है, वो सुबह 10 बजे से 4 बजे तक आकर संजीवियस कॉलेज में वोटर आईडी बना सकते हैं। दरअसल युवाओं में लोकतंत्र के प्रति आस्था और इसकी मजबूती के लिए उनकी जरूरी सहभागिता को ध्यान में रखते हुए 2017 में रांची के संजीवियर कॉलेज में देश के पहले इलेक्ट्रॉल लिटरेसी क्लब की स्थापना हुई, जिसके बाद फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी और देश के अन्य शैक्षणिक संस्थानों में इसके दायरे को फैलाया गया। 2024 तक संजीवियस कॉलेज उस इलेक्ट्रॉल लिटरेसी क्लब को मेंटेन करके रखा है। आज भी अलग अलग प्रोग्राम से बच्चे अवेयर हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉल लिटरेसी क्लब में आज करीबन 240 बच्चे एज अ वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं और 2 एम्बेसडर है इस क्लब। स्नेक अभियान में NSS भी महती रूप से सहयोग कर रहा है। NSS के कोऑर्डिनेटर सूरज मंडल ने बताया कि देश के विकास के लिए सबको साथ लेकर चलना जरूरी है, इसलिए वे सभी से वोट के लिए आगे आने की अपील कर रहे हैं। जो ये मुनीम चल रहा है वोटर अवेयरनेस कैंप, NSS और ELC क्लब मिलके जो कोलैबोरेट करके कैंप चला रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों तक वोटर अवेयरनेस पहुंचाना। इस क्लब में अपना योगदान दे रहे वॉलंटियर युवाओं से लोकतंत्र की मजबूती के लिए आगे आने का आह्वान करते हैं। अवेयर किया गया था और दिखाया गया था कि वोटिंग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम लोग सबको वोट करना चाहिए। एक एक कि हम वोटर टर्नआउट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश करेंगे कि वोटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। भारत एक युवा राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ निवास करने वाली कुल आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा आज भी युवा है। इसलिए राष्ट्र को मजबूत करना है तो युवाओं को आगे करना होगा। जाहिर है, इसी सोच के तहत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 2017 में शुरू किया गया ये प्रयास जल्द ही रंग लाएगा। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट।